तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एच ए एल के स्टॉक के बारे में। एच ए एल के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, ये हमको पहले यहाँ पर लगा था क्लियर अपट्रेंड में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, जिसके बाद से हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 2.50% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। साथ ही आज की तेजी से हमको यहाँ पर स्टॉक में ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट की बात करें तो जो ये स्टॉक है, ये पिछले कुछ समय से यहाँ पर लगातार 1870 का जो लेवल है, इसी के नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया है। तो यहाँ से भी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से भी अगर स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से भी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 1907 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1982, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 2081, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में 2150, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 2200 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अभी गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1870 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1815, एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1755 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।